शहर को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी हम सभी शहर वासियों की है। इस पर हम सभी को मिलकर हमारी सरकारी यंत्रणा को सहयोग करने की जरूरत है। शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू हो, इस पर हमारे पुलिस कर्मी दिन रात सड़कों पर काम करते हैं। वे हमें दुर्घटनाओं से बचाते हैं। इस पर हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी पुलिस को सहयोग करें। परंतु इन दिनों शहर में पुलिस पर हमलों के प्रमाण बढ़ रहे हैं, जो उचित नहीं है। बीते 5 दिसंबर को जादू चौक पर पुलिस ने ठाकुर की गाड़ी पर लगी काली फिल्म निकालने के लिए एवं नो पार्किंग पर खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए बात कर रहे थे, तभी आरोपी उग्र होकर उनके साथ मारपीट करने लगे। आरोपी ठाकुर पर शहर के विभिन्न थानों में अब तक दर्जनों मामले दर्ज होने के बाद भी उस पर कोई सुधार नहीं है। ये आज सुबह और ट्रैफिक कंट्रोल और व्हीकल की कार्रवाई करने के लिए आज जादव चौक में गए थे। उनके साथ में EPI जादव उनका स्टाफ था। जो आरोपी है ठाकुर, ये अपने ऑफिस के सामने उनकी गाड़ी पार्किंग की थी, जो वहाँ पर नो पार्किंग जगह है। उसके पहले वो नो पार्किंग की जगह में गाड़ी रखने की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है 5-6 बार। कल उनको सुबह भी बताया गया था कि गाड़ी यहाँ पार्किंग नहीं करना है। उस बात पर आज सुबह भी उनको बताया गया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और पुलिस के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है और काम में अड़थड़ा किया है। इस वजह से उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं सेक्शन 353 के मुताबिक। V24 के लिए कृष्ण देव, नागपुर।